चलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों की बात करते हैं। दरअसल पिछले 5 साल के परिणामों की भी बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई थी, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 4 बार संगठन से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में लड़ते हुए अपने ही पार्टी के प्रत्याशी को शिकस्त दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या संगठन मजबूत प्रत्याशी को टिकट दे पाया, या फिर पिछले सालों की तरह फिर कोई बागी होकर चुनाव मैदान में उतरकर दोनों ही दलों को प्रत्याशियों को शिकस्त देकर इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। ये रिपोर्ट देखिएगा। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार लो, मान बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की बात की जाए तो NSUI का प्रदर्शन पिछले 4 सालों में चिंताजनक रहा है। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण संगठन की ओर से गलत टिकट वितरण रहा है। यही कारण है कि 4 सालों में 2 बार NSUI संगठन से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले छात्र नेताओं ने अपने ही संगठन के उम्मीदवार को शिकस्त देकर छात्र संघ का चुनाव जीता है। वहीं 2 बार NSUI को अन्य संगठन से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी से शिकस्त मिली है। साल 19-20 में हुए छात्र संघ चुनाव में पूजा वर्मा ने NSUI से टिकट मांगा था, लेकिन संगठन ने NSUI के उत्तम चौधरी को टिकट दिया। पिछले 4 सालों में छात्र संघ चुनाव में NSUI रही फेल, सही टिकट वितरण नहीं होने से बागी प्रत्याशी रहे हावी। 19-20 के चुनाव में पूजा वर्मा निर्दलीय तौर पर जीती, जबकि पूजा वर्मा रही थी NSUI की कार्यकर्ता। टिकट नहीं मिलने से पूजा वर्मा ने निर्दलीय ठोकी थी ताल। सन 18-19 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनोद जाखड़ जीते। NSUI से टिकट नहीं मिलने पर जाखड़ ने भरा था निर्दलीय पर्चा, अपने ही पार्टी के रणबीर सिंघानिया को बड़े अंतर से हराया। पिछले वर्षों में जो राजस्थान विश्वविद्यालय का परिणाम रहा, जो चुनावी परिस्थितियां रही, वो बड़ी चिंताजनक रही, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ सीख कर हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान का NSUI परिवार मिलजुल कर पूरे समर्पण के साथ एक मजबूत चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक परिणाम आप सबको देखने को मिलेगा। छात्र संघ चुनाव में पिछले 4 साल में दोनों ही संगठन अध्यक्ष पद पर अपना कोई भी उम्मीदवार जिता नहीं पाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें तो यहां भी टिकट वितरण में बड़ी खामी सामने आई, जिससे उम्मीदवार बागी होने पर मजबूर हुए। छात्र संघ चुनाव में अपनों से ही ABBP को मिली शिकस्त। छात्र संघ चुनाव में 4 साल से संगठन ने नहीं चखा जीत का स्वाद। यहां भी गलत टिकट का बंटवारा रहा संगठन की हार का कारण। 2016-17 में निर्दलीय प्रत्याशी अंकित धायल ने जीता चुनाव। ABBP से बागी होकर निर्दलीय रूप से लड़ा था धायल ने चुनाव, अध्यक्ष पद पर ABBP के अखिलेश पारिक को हराया। साल 2017-18 में निर्दलीय प्रत्याशी पवन यादव ने अध्यक्ष पद पर जीत प्राप्त की। ABBP से टिकट नहीं मिलने के कारण यादव ने निर्दलीय दाखिल किया था पर्चा। पवन यादव ने NSUI के दीपक मीणा को अध्यक्ष पद पर दी शिकस्त। भारतीय परिषद द्वारा छात्र संघ के प्रत्याशियों की भी तैयारी करवाई जा रही है, जिसके माध्यम से हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को छात्र संघ में लीडरशिप मिले, नेतृत्व मिले, उसको लेकर कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार सभी 365 दिन सभी कॉलेज कैंपसों में सक्रिय रहे हैं। उसके आधार पर कार्यकर्ताओं में एक अच्छा माहौल और एक जोश और जुनून के साथ में कार्य करने का जज्बा पैदा हो रहा है। सभी एक परिवार की भांति आपस में सहर्ष वर्ष भर काम करते हैं, और छात्र संघ के चुनाव में एक प्रत्याशी को चयन करके हम लोग लीडरशिप के रूप में नेतृत्व कराते हैं। 4 सालों में दोनों ही संगठन गलत तरीके से टिकट बंटवारे के चलते जीत का स्वाद नहीं चख पाए हैं, लेकिन इस बार दोनों ही संगठन अपने अपने उम्मीदवारों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, जिससे योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सके और बागी होकर जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों के इस सिलसिले पर लगाम लगाई जा सके। फर्स्ट इंडिया के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट।